तो हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं आ गई हूँ नई वीडियो के साथ, लेकर आई हूँ सोहक यानी कि मोहक नारंग सुरभि हटल की आज की अपडेट। तो गाइस, जब से सोहक अलग हुए हैं यानी कि जब से ये दोनों अलग अलग वीडियो बना रहे हैं, साथ में वीडियो नहीं बना रहे हैं, तो सबको यही लग रहा है कि इनके बीच में लड़ाई हुई है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है जिसकी वजह से ये साथ में नहीं आ रहे हैं। कुछ चीज़ है जो इन्हें रोक रही है साथ में आने से। एंड कुछ तो ये भी कहते हैं कि ये मिलते हैं बट सोशल मीडिया पर नहीं बताते। एंड सुरभि नोएडा जाती रहती है। आपको पता होगा कि मोहक इसी साल जनवरी में नोएडा शिफ्ट हुए थे, उन्होंने नया फ्लैट लिया था वहाँ पर। एंड सुरभि दिल्ली में रहती है, तो सुरभि अभी भी नोएडा गई हुई है आज। एंड गाइस, यहाँ पर ये बात सबको पता है कि आज करवा चौथ है, तो इसी को लेकर किसी ने उनसे पूछ लिया कि आपने मेहंदी नहीं लगवाई। तो सुरभि ने इस पर काफ़ी फनी रिप्लाई देते हुए बोला कि मेरा करवा चौथ थोड़ी है यार। एंड इस पर उन्होंने लाफिंग वाला इमोजी भी लगाया है साथ में। एंड इस स्टोरी के कुछ देर पहले ही उन्होंने अपने खाने वाला फोटो भी शेयर किया था कि वो खाना खा रही हैं। तो गाइस, यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों को जिनको लग रहा था कि सुरभि ने मोहक के लिए करवा चौथ का व्रत रखा था, तो यहाँ पर सुरभि ने क्लियर कर दिया है कि उन्होंने व्रत नहीं रखा है। एंड काफ़ी फनी वे में उन्होंने इसका रिप्लाई दिया है। एंड एक क्राइंग वाला इमोजी एंड सुरभि अभी नोएडा में अपना लेजर ट्रीटमेंट करवाने के लिए गई हुई है। एंड फिलहाल तो सोहक के फैंस, जो कि उनका सेकंड सॉन्ग आने वाला है, उसका काफ़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 15 अक्टूबर को ये सॉन्ग रिलीज होने वाला है, तो इसके लिए भी काफ़ी सारे फैंस काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं। एंड काफ़ी सारे लोग ये उम्मीद लगा रहे हैं कि काश इस सॉन्ग के प्रमोशन के दौरान मोहक एंड सुरभि साथ में आ जाए, हमारे सोहक हमें फिर से मिल जाएगा। तो आपको क्या लगता है, क्या ऐसा होगा? अगर ऐसा होगा एंड आप एक्साइटेड हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, फिर हम लोग इन कमेंट्स पर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट वाली वीडियो में। तो बस अभी की वीडियो में इतना ही। मैं मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ। बाय।